समुद्र के नीचे क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों के नींद उड़ा रखी है। आखिर समुद्र के नीचे यानी समुद्र के अंदर की दुनिया में क्या क्या मौजूद है? अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र के नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 1 किलोमीटर की गहराई में जाएगा तो उसके लक्स फट जाएंगे। अगर एक पनडुब्बी समुद्र की काफी गहराई में जाए तो उसमें आंतरिक विस्फोट हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या है समुद्र में कि वैज्ञानिक समुद्र के रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पा रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, समुद्र के नीचे इतने खतरे मौजूद है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज तक समुद्र की दुनिया में खोजी गई सबसे गहरी जगह चैलेंजर दी यानी मरियाना टेंच है, जो कि समुद्र के नीचे लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है। समुद्र की इतनी गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा होता है जितना एक इंसान पर 100 हाथियों को खड़ा कर दिया जाए। समुद्र में जैसे जैसे इंसान गहराई में जाता है वैसे वैसे समुद्र में अंधेरा बढ़ता जाता है। समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे काफी कम होता जाता है। समुद्र में नीचे कई टॉक्सिक केमिकल भी मौजूद होते हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा है। ऐसे कई कारण है कि समुद्र के अंदर जाने में इतनी ज्यादा खतरा मौजूद है। कैसे? बहुत कम दिल वाले लोग जानते हैं जो समुद्र के नीचे की गहरी दुनिया में जाने की औकात रखते हैं और समुद्र के अंदर कई विचित्र रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। समुद्र से पैदा हुआ धरती पर जीवन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की गहराई में ही धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। समुद्र की गहरी जगह जहां इतने खतरे मौजूद है वहां पर हम इंसानों के पहले पूर्वज यानी माइक्रो ऑर्गेनाइजिंग की शुरुआत हुई थी। समुद्र में काफी नीचे यानी समुद्रीय तलों में यानी समुद्र तलों में हाइड्रोथर्मल बेल्ट पाई जाती है। दोस्तों, यह हाइड्रोथर्मल बेल्ट धरती की गहराई से कई केमिकल और मिनरल्स को लगातार समुद्र के अंदर छोड़ते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कई अरब साल पहले हाइड्रोथर्मल बेल्ट से निकलने वाले केमिकल सूप नहीं समुद्र की गहराई ने रहस्यमय तरीके से बैक्टीरिया को जन्म दिया। वह बैक्टीरिया ही आगे चलकर अलग अलग जीवन में इन्वॉल्व हुए। इन्हीं समुद्री जीवों से हम इंसान पैदा हुए। तो दोस्तों, अगर समुद्र ना होता तो हम इंसान भी नहीं होते। समुद्र में जब भी विचित्र जीव जन्म ले रहे थे उन्हें हम नहीं खोज पा रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र ही जीवन को पैदा करता है। समुद्र के नीचे पहाड़। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाओगे कि पहाड़ न सिर्फ लैंड एरिया में होता है बल्कि समुद्र के नीचे भी पहाड़ मौजूद होते हैं। यानी समुद्र के नीचे गहराई में पानी के अंदर भी पहाड़ मौजूद होते हैं। आप और भी चौंक उठेंगे जब मैं कहूंगा कि धरती पे सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद मनाकिया नामक पहाड़ है। यह समुद्र तल से नीचे से लेकर ऊपर तक 6,000 मीटर ऊंचा है और समुद्र के ऊपर एक पहाड़ 400 मीटर ऊंचा है। यानी कुल मिलाकर यह पहाड़ 1,000 मीटर ऊंचा है। ऐसे में यह पहाड़ अगर लैंड एरिया में होता तो यह धरती पे सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता। दोस्तों, समुद्र के नीचे पहाड़ क्यों है? इसका कारण है टेक्टोनिक प्लेट का आपस में टकराना। अगर दो बड़े लैंड एरिया आपस में टकराते हैं तो वह पहाड़ को जन्म देते हैं। इसी कारण समुद्र की गहराई में भी अगर दो लैंड एरिया आपस में टकराए तो समुद्र के नीचे भी पहाड़ बन जाते हैं। यही वजह है कि समुद्र के नीचे भी अनेकों पहाड़ मौजूद है।
आमतौर पे इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर होती है। अब तक समुद्र के नीचे 1 लाख से ज्यादा पहाड़ खोज लिए गए हैं, लेकिन समुद्र तो काफी बड़ा है और इतने बड़े समुद्र के भीतर न जाने कितने पहाड़ मौजूद होंगे, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। आप जानकर फिर हैरान हो सकते हैं कि समुद्र में पैदा होने वाले यह पहाड़ सुनामी भी ला सकते हैं, क्योंकि यह एक साथ समुद्र के काफी बड़े जल स्तर को प्रभावित करते हैं, जो कि समुद्र के ऊपर बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि समुद्र की दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही रहस्य मौजूद है, समुद्र के नीचे विचित्र जीव। दोस्तों, समुद्र के अंदर की विचित्र दुनिया में हजारों प्रकार के जीव जंतु और मछलियां मौजूद है। इन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अब तक जिन समुद्री जीवों के बारे में हम सुनते थे, वह तो मात्र समुद्र की अब तक जानी जाने वाली 5% दुनिया का ही एक काफी छोटा हिस्सा है। असलियत में समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे लाखों विचित्र जीव प्रजातियां मौजूद है जिन्हें अब तक नहीं खोजा गया है। न सिर्फ जीव जंतु बल्कि अनेकों विचित्र पेड़ पौधों की प्रजातियां और औषधीय समुद्र के अंदर मौजूद है, जो हमारे लिए काफी काम की साबित हो सकती है। समुद्र के 5% हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, आज 1.5 लाख से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनाइजम प्वाइंट लाइफ मौजूद है। इन विचित्र सूक्ष्म जीवों के बारे में वैज्ञानिक अगर रिसर्च करें तो हम इंसानों के लिए मेडिकल क्षेत्र में कई टेक्नोलॉजिक एडवांस हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन नई रिसर्च में लगे हुए हैं। समुद्र में कई विशालकाय प्रजातियां भी मौजूद है, जैसे कि स्पर्म व्हेल, ग्रेट व्हाइट शार्क और ऑक्टोपस। समुद्र की गहराई में ड्रैगन जैसी रंग बदलने वाले जीव और बिल्कुल पारदर्शी की प्रजातियां भी यहां निवास करती है। समुद्र के अंदर विशालकाय सांपों की प्रजातियां भी रहती है। यह सांप आम तौर की तरह विषैला नहीं होते, लेकिन समुद्र में कुछ विषैला सांप जैसे लो वली सी नाग भी पाए जाते हैं। यह सांप 2 मीटर लंबे होते हैं और अगर समुद्र में तैरते वक्त आपको यह काट ले तो कुछ ही मिनट में आपकी मौत हो जाती है। आपको जानकर हैरानी हो सकते हैं कि समुद्र के अंदर विशालकाय एनाकोंडा के होने का भी संभावना जताई जाती है, जिन्हें अक्सर हम मूवीज में देखा करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो समुद्र में एनाकोंडा के होने को साबित कर सके। हालांकि अभी तक समुद्र को पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो आगे चल के ना जाने हमें क्या मिल जाए, इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समुद्र के नीचे सबसे बड़े शार्क, दोस्तों आज से लाखों साल पहले समुद्र की दुनिया में एक ऐसी शख्स रहती थी जो आज की शार्क से कई गुना बड़ी थी, जो समुद्र में पाए जाने व्हेल मछली का भी शिकार किया करती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यह शार्क किसी कारण से विलुप्त हो गई। पर आज भी कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में यह शार्क आज भी जिंदा है, बल्कि कुछ लोगों ने तो इस शार्क को कई बार समुद्र की गहराइयों में देखा भी है। समुद्र की सबसे गहरी जगह है मेरी आंटेंच, जिसमें अब तक मात्र 5 लोग ही जा पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पे मेगालोडो जैसे विशाल शख्स आज भी मौजूद है, जिसने लाखों साल पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वॉल्व होकर समुद्र की गहराइयों में रहना सीख लिया। अगर यह सच है तो समुद्र की गहराइयों में मेगालोडो जैसे और भी कई जीव मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें अब तक हम नहीं खोज पाए हैं। समुद्र के नीचे नदियां, दोस्तों अब तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि
नदियां पहाड़ों से होते हुए समुद्र में जाकर गिरती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि समुद्र के नीचे भी नदियां बहती है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के नीचे भी नदियां बहती है, जो कि रहस्यमय तरीके से समुद्र के नीचे होने का कई गतिविधियों के कारण धाराओं के रूप में समुद्र के नीचे बहा करती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, जो कि समुद्र के नीचे बहने वाली सबसे बड़ी नदी के रूप में मानी जाती है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जिस वजह से इसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। समुद्र के नीचे बहने वाले इस धारा का पानी गर्म होता है, जिस वजह से उत्तर अमेरिका और यूरोपी समुद्री तट का तापमान गर्म रहता है। इस वजह से यह नदियां क्लाइमेट चेंज का कारण भी बनती हैं। गल्फ धारा की तरह ही अलग अलग समुद्री इलाकों में अनेकों नदियां बहती है, जिन्हें जापान की धारा, ब्राजील की धारा और उत्तरी प्रशांत की धारा का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, समुद्र के नीचे ऐसे कई रहस्य मौजूद है। हमारी पृथ्वी को हम कई अलग अलग परतों के रूप में बांट सकते हैं, और पृथ्वी पर मौजूद समुद्र पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट का ही एक भाग है। ऐसे में समुद्र के नीचे क्या है? इसका एक जवाब यह है कि समुद्र के नीचे जाने पर हम पृथ्वी के नीचे यानी पृथ्वी की परतों के अंदर जाने लगते हैं। तो समुद्र के और नीचे जाने पर हम पृथ्वी के अंदर की यात्रा करने लगते हैं। इसे जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने बताया है कि पृथ्वी के नीचे क्या है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।